तो ये देखो प्यारे बच्चों, ये एक आसान सवाल है और इसको आई होप कि आप कर ही सकते हो। फिर भी चलो ट्राई करो। देखो कि एक टाल मैन है, एक लंबा आदमी है जिसकी हाइट 6 फुट है, ठीक ना। तो 6 फुट है तो 1 to 2 C इमेज, ठीक ना। तो वो अपनी इमेज देखना चाहता, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड। तो चलो चलो मान लेते हैं यहाँ एक आदमी है और वो उसकी हाइट साइड अच्छी है, लंबू है, और वो अपना पूरा इमेज देखना चाहता है। यहाँ एक प्लेन मिरर है, ठीक ना। तो दिस इज़ द हाइट ऑफ मैन, ठीक ना। तो देखो जो मिनिमम, अगर मिरर छोटा होगा, देखते हो लड़कियां जो है बैग में लेके चलती हैं छोटे छोटे मिरर, तो उसमें क्या करती हैं, अपने छोटे छोटे चेहरे ही देखती हैं, समझ में आ रहा। तो बेसिकली क्या है कि अब वही छोटे से मिरर में उस लड़की से बोल दो पूरा इमेज देखो, तो कभी नहीं देख पाएगी यार। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरा इमेज देखने के लिए, पूरा इमेज देखने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मिरर की ज़रूरत है। एक मैक्सिमम तो कोई लेंथ को मतलब लिमिट नहीं है, ठीक है। मिनिमम लेंथ से कम होगा तो कभी भी इमेज नहीं देख पाएगी। तो मिनिमम हाइट ऑफ, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर जो होता है, ठीक है ना, वो एक्चुअली जो होता है हाइट ऑफ मैन की आधी होती है, ठीक ना। ये आई होप कि पढ़े होगे। तो हाइट ऑफ मैन 6 फुट है, तो कम से कम उसे 3 फीट की मिरर तो पूरा चाहिए, ठीक है, उसको पूरा इमेज देखने देंगे। अगर 3 फीट से कम है तो पूरा इमेज नहीं देख पाएगा, और ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छी बात है यार।